श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंदर आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में बताऊँगा भगवान की कृपा और उनके चरण कमलों की महिमा जो श्री सूरदास जी ने बताई है। बड़ी प्यारी है, अगर आप जान लेंगे तो आपका भगवान से अपने आप प्रेम बढ़ जाएगा। सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी कहते हैं, जिस पर श्री हरि की कृपा हो जाती है उसके लिए सब कुछ असंभव संभव हो जाता है। मैं उन श्री हरि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। फिर क्या कहा कि जहाँ की कृपा पंगु गिरी लगे, आंधर को सब कुछ दर्शाई। कहते हैं, जिसकी कृपा से, कृपा अगर एक बार हो जाए तो लंगड़ा पहाड़ को चढ़ जाता है। कितनी प्यारी बात है। फिर कहा, आंधर को सब कुछ दर्शाई। कोई अंधा हो, कुछ न दिखाई देता हो, भगवान की कृपा हो जाए तो उसे सब कुछ दिखने लगता है। फिर क्या कहा कि बहिरो सुने मुख पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहरी सुने, कोई बहरा हो तो वो सुनने लग जाता है। मूक पुनि बोले, कोई गूंगा हो तो वो बोलने लग जाता है। रंक चले सिर छत्र धराई, कोई कितना भी रंक हो, गरीब हो, उसे भगवान अमीर बना देते हैं, उसके ऊपर छत्र लगा देते हैं। जैसे सुदामा के जीवन में कितनी गरीबी थी, सुदामा जी के जीवन में कितनी गरीबी थी, भगवान ने पूरी गरीबी को मिटाया है। फिर कहा, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो ते ही पाही। कहते हैं, ऐसे करुणा में प्रभु की पद वंदना कौन अभागा नहीं करेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो तो अभागा ही होगा जो ऐसे हरि की, ऐसे भगवान की चरण कमलों की वंदना नहीं कर पाएगा। तो सूरदास जी ने अपने कवित के माध्यम से, कविता के माध्यम से हम सभी को ये बताया है और ये सभी जानने योग्य बात है। तो ये प्रसंग मुझे पढ़ने को मिला और मैं आप सबके लिए लेके आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय जय श्री राधे।